प्रधानमंत्री है तो उनको भी चाहिए कि अच्छा कपड़ा पहने और देश विदेश पूरी दुनिया में उनका नाम हो देश के मुसलमान दिल के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान है और जो मुसलमान नहीं है वो साथ नहीं देगा। दिन पहले एक रैली में राहुल गांधी फटाफा कुर्ता पहनकर पहुँच गए थे अब जब जिनका जो स्थिति है भाई वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा इस वक्त में ये स्थिति हो रहा है कपड़ों की सोच तो ये बहुत पुरानी है कि देखिए वो जो कपड़ों जो पहनते हैं ना अपनी कमाई का जितना भी हिस्सा है ना वो सब गरीबों में बांट देते हैं इवन वो अपनी तनख्वाह तक अपने लिए नहीं लगते और आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया हिंदुस्तान के अंदर जो एक शौचालय वाला अहम मसला जो हमारे मोदी जी ने सोचा था वो करके दिखाया नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नम्रता शर्मा हाल ही में पत्रकार रवीश कुमार ने अपने 30 मिनट के शो में 15 बार कपड़े बदले और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तरीके से तंज कसा ये बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से कपड़े बदलते हैं या कपड़े पहनते हैं आपने भी अक्सर सुना होगा कई बार उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठते हैं लोग पूछते हैं कि वो कितने लाखों रुपए अपने कपड़ों पर खर्च कर देते हैं आखिर इस पूरे मुद्दे पर देश की जनता क्या सोचती है आम लोग क्या सोचते हैं क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री के कपड़ों पर सवाल उठाना जायज है क्या विपक्ष को ऐसा करना चाहिए रवीश कुमार को ऐसा करना चाहिए सुनिए जनता क्या कहती है प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों पर सवाल उठने चाहिए लोग बोल रहे हैं कि लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपने कपड़ों पर भाई दुनिया में जितने भी लोग हैं हर आदमी कपड़े नहीं अच्छे पहनने चाहते हैं तो मोदी जी भी अच्छे कपड़े पहनना चाह रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री है तो उनको भी चाहिए कि अच्छा कपड़ा पहने और देश विदेश पूरी दुनिया में उनका नाम हो और जो है सब लोग जो है उनके सम्मान करें अभी कुछ दिन पहले एक रैली में राहुल गांधी फटावा कुर्ता पहनकर पहुंच गए थे अब जब जिनका जो स्थिति है भाई वो दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा इस वक्त में ये स्थिति हो रहा है तो इसके वजह से वो पेंड है जनता को समाज को और पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं ये बात अच्छा आ, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो ये कहते हैं कि बीजेपी के राज में वो दब रहे हैं उनको डर है आप चूंकि इसी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं आपको लगता है कि बीजेपी के आने के बाद मुसलमानों को किसी तरीके की कोई तकलीफ हुई है नहीं मुस्लिम समाज का इस वक्त में ज़्यादा सुरक्षा मिला है और योगी जी का राज में जो है जो मोदी जी का नारा था सबके साथ सबका विकास तो विकास के साथ सभी लोगों को सभी समुदाय के लोगों को लेकर चलने का काम भी कर रहे हैं वो तो जो लोग विरोध में बोल रहे हैं उनको क्या कहेंगे उनको हम ये कहना चाहते हैं कि आप सत्ता का ना राजनीतिक ना करें और आप भी जो मोदी जी कर रहे हैं वो काम आप लेकर जब चलेंगे तो समाज आपके साथ भी चलेंगे कोशिश करेंगे 2022 में चुनाव होने हैं यूपी में तो यूपी का मुसलमान किसके साथ है? इस वक्त यूपी का मुसलमान योगी जी के साथ है पिछले बार भी हम अल्पसंख्यक के सारे लोग ने योगी जी के साथ रहे और सरकार बनाए माननीय जो है पंकज जी के विधायक बनाए हैं और सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को बनाए हैं सारे मुसलमान नोएडा और बल्कि पूरे प्रदेश में जो है से योगी जी और मोदी जी के साथ है की के आने के बाद उत्तर प्रदेश में कितना फर्क देख पा रहे हैं मुसलमानों के लिए योगी के आने से प्रदेश में एक तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया है गुंडागर्दी ख़त्म हो गई है आज हमारी बहन बेटियाँ रात बिरात कहीं भी चली हैं कोई दिक्कत नहीं है कुछ मुसलमान ये दावा कर रहे हैं कि उनको दबाया जा रहा है प्रताड़ित किया जा रहा है वो मुसलमान नहीं है योगी राज के इतना मुसलमान शुकीन है कोई परेशान नहीं है ना कोई परेशान कर रहा है योगी जी का तो हमारा सबका साथ सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सिलेंडर भी दिए हैं मकान सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ही मिले हैं और ढाई ढाई लाख रुपए भी मिले हैं सबसे ज़्यादा मुसलमानों को इंश्योरेंस कराया है पाँच लाख का सब मिल रहा है सबसे ज़्यादा मुसलमान ले रहे हैं अच्छा योगी जी की तारीफ तो आपने कर दी मोदी से खुश हैं मोदी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया हिंदुस्तान के अंदर जो एक शौचालय वाला अहम मसला जो हमारे मोदी जी ने सोचा था वो करके दिखाया अच्छा कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों पर सवाल उठा रहे हैं कह रहे हैं वो जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं इतनी बार कपड़े बदलते हैं कि लाखों करोड़ों रुपया कपड़ों में खर्च कर देते हैं देखो जी ये तो कहने की बात है विरोधी क्या करेंगे अब हमारी ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना राष्ट्रीय पार्टी बन गई है अब इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ये फटे कपड़े भी पहन के आएंगे चप्पल बिना चप्पल के भी आएंगे ये अब अब इन्होंने सत्तर साल जो करा है हम लोगों के ऊपर अत्याचार करा है अब हमारी ये जो भारतीय जनता पार्टी है कम से कम सत्तर साल राज करेगी तो ये कांग्रेस और बसपा सपा का क्या होगा ये कोई नहीं है तो छोड़े डाले अब इनकी कोई अहमियत नहीं है हमारी पार्टी के आगे कांग्रेस बसपा समाजवादी इनकी कोई अहमियत नहीं है हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी देश का मुसलमान ग्रोथ कर रहा है देश का मुसलमान दिल के साथ साथ है भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान है और जो मुसलमान नहीं है वो साथ नहीं देगा आपका नाम मैं सरफराज अली हज कमेटी का मेंबर हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और जेवर का प्रभारी हूँ तो आज ये जो रैली निकाली गई है इसका मकसद क्या है इसका मकसद जन विश्वास यात्रा जो हमारी निकल रही है सभी जो लोग रास्ते में मिलने वाले हैं और जो जगह जगह हमारी यात्रा निकल रही है ये सभी का विश्वास और सभी का विकास इसके नारे पर चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विकास किए हैं और जो विकास का नारा दिया है उसकी यात्रा निकल रही है सभी को बताना है सभी का संदेश लेना है और जनविश्वास यात्रा किस तरह से हमारी पूरी होगी ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और सभी जन का विश्वास लेने के लिए हमारी ये यात्रा है अच्छा बीजेपी कह रही है कि वो विकास कर रही है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सारे विकास उन्होंने किए हैं और आप सिर्फ ईता काट रहे हैं देखो वो विरोधी दल हैं और विरोधी दल तो कभी भी किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी जब से आई है जब से विकास पर विकास हुए हैं और सबका समाधान हुआ है और जितने गुंडा राज थे वो सब सबको हटाया है उत्तर प्रदेश शासन जब था समाजवादी पार्टी सरकार थी तो जब तो गुंडा राज था जब तो किसी को कोई भी सुरक्षित नहीं था आज सबकी सुरक्षा सबका विकास और सबका विश्वास है अच्छा ये बताइए प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों को लेकर बहुत सवाल उठ रहा है रवीश कुमार का नाम आपने सुना होगा अपने 30 मिनट के प्रोग्राम में उन्होंने 15 बार कपड़े बदल दिए और ये बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही कपड़े बदलते हैं और लाखों रुपए उन पर खर्च करते हैं ये सब विरोधी लोगों का एक अविश्वास जो विरोधी लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं उन विरोधी लोगों का काम है हमें तो उनकी बातों पर नहीं जाना हमें तो देश का काम करना है देश का विकास करना है और देश का विकास रफ्तार पकड़े ऐसी हमारी सरकार हमारी जो चल रही है मोदी और योगी जी की सरकार हमें मोदी और योगी जी पर पूरा विश्वास है देश आगे बढ़ेगा और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और जो ये विरोधी दल हैं ये धीरे 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 नीचे जाते जा रहे हैं लगातार ये नीचे जीरो पॉइंट पर आ गए हैं अब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है केवल और केवल आलोचनाओं आलो के अलावा अच्छा मुद्दे नहीं है इसलिए ये मुद्दा बनाया ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार काम कर रही है सरकार विकास कर रही है उनके पास कोई विकास का कार्य नहीं है उनके पास कोई जनादेश नहीं है कोई उनके पास किसी तरह का जो मुद्दा मिलता है इस तरह के मुद्दों को ढूंढते हैं कि कोई हमें ऐसा मुद्दा मिले ये सारे बेकार के मुद्दे हैं कोई मुद्दा इनका ठीक नहीं है आपका नाम अनूप शर्मा मैडम ये जो विपक्ष है बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी के कपड़े पे सवाल उठाते हैं कि वो लाखों लाखों खर्च कर देते हैं अपने कपड़ों पर इसको लेकर क्या सोचते हैं मैडम कपड़ों की सोच तो ये बहुत पुरानी है कि देखिए वो जो कपड़ों जो पहनते हैं ना अपनी कमाई का जितना भी हिस्सा है ना वो सब गरीबों में बांट देते हैं इवन वो अपनी तनख्वाह तक अपने लिए नहीं लगते तो आप कहते हो कि कपड़ों की बात तो कपड़े भी पहनते हैं तो कोई आदमी मैं अपने कपड़े अपनी तनख्वाह से नहीं पहन सकता क्या यदि दिन में चार जोड़ी बदलता हूँ तो मैं अपनी तनख्वाह से बदलता हूँ और उनका ऑप्शन भी करा करके मैं सब गरीबों में बांट देता हूँ तो इसमें क्या बुराई है विपक्ष कह रहा है कि वो जनता के पैसे से खर्चा करते हैं अपने कपड़ों पे लाखों लाखों खर्च करते हैं बाहर जाते हैं विदेशी यात्रा पे खर्च करते हैं मैडम विदेश यात्रा पे जाना एक हमारी पॉलिसी है ना आज हम जो अरबों रुपए हम विदेश नीति से ले रहे हैं वो किस कारण से ले रहे हैं वो इसी से ले रहे हैं ना कि यदि हम बाहर नहीं जाएंगे घर में बैठे रहेंगे कौन हमें आकर के पैसा देगा जब बाहर जाएंगे और रही बात कपड़ों की तो मैं पहनूंगा तो तन पे कपड़े तो पहनूंगा यदि मैं अपनी कमाई का कपड़ा नहीं पहनूंगा तो किसका पहनूंगा अब बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं हम अच्छा पत्रकार है रवीश कुमार नाम सुना होगा आपने जी, जी। उन्होंने अपने आधे घंटे यानी तीस मिनट के प्रोग्राम में पंद्रह बार कपड़े चेंज किए और मोदी जी पर तंज कर मैडम अब इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते कि मैं अब दिन में दस बार कपड़े बदलूंगा तो अपनी कमाई का बदल रहा हूँ ना अब रविश कुमार कुछ भी कहें रविश कुमार तो इतने पाक साफ हैं आप उठा करके उनका सब देख सकते हैं कि वो क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं ये तो सब जनता जाहिर है कि वो मोदी जी के लिए कितना शुभ बोलते हैं और कितना अशुभ बोलते हैं ये तो सब जानते हैं तो इसमें कपड़े की बात और वो मेन मैम काम देखा जाता है कि मोदी जी कर क्या रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं तो आज हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए जो हमें अमेरिका और ये सब हमें देखते तक नहीं थे वो आज हमारे लिए आगे से आगे खड़े रहते हैं एफ फंडिंग एफ फंडिंग में अरबों रुपए की घोटाले होते थे लेकिन आज एफ फंडिंग में एक रुपए का नहीं केवल एक गीता पे हम अरबों रुपए लेके आ जाते हैं ये मोदी जी का ही कमाल है कि एक गीता के बदौलत हम अरबों रुपए फंडिंग करा लेते हैं तो इसमें आप रही बात कपड़ों की तो भाई कपड़े तो पहनूंगा मैं प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों को लेकर बहुत सवाल उठते हैं कि वो बहुत सारे पैसे कपड़ों पे ही खर्च कर देते हैं देश की जनता का पैसा है बस मैडम कपड़े अगर मोदी जी अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं तो विपक्ष को क्या परेशानी हो रही है और कपड़े भी नहीं पहनेगा अगर मोदी जी कपड़े नहीं पहनेंगे फिर क्या पहनेंगे ये कोई जय गुरुदेव बन जाएंगे और टाइट पहन लेंगे और विपक्ष तो बोलते ही रहता है कपड़े को लेके हर चीज़ को लेके उनकी यात्राओं को लेके तो विपक्ष का तो काम ही यही है विपक्ष ये भी कह रहा है कि ना ही योगी आने वाले हैं ना ही चौबीस में मोदी आने वाले हैं मैडम ये तो बता देगा विपक्ष को ये जो जनता है ना ये हमारे देश की ये सब बता देगी कि कौन आएगा और कौन रहेगा अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पत्रकारों को ही अगर हम ले लें चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का तो रवीश कुमार है जिन्होंने अपने तीस मिनट के प्रोग्राम में पंद्रह बार कपड़े बदले मैडम रवीश कुमार का कच्चा चिट्ठा सबके सामने है आप उनका कच्चा कच्चा चिट्ठा खोल कर देखेंगे तो उनका पता चल जाएगा उनका तंज खाली जो रहता है ना मोदी जी को लेके योगी जी को लेके और बीजेपी को लेके ही रहता है और वो जो है उनके ब्रदर खुद कांग्रेसी हैं तो वो विपक्ष को क्यों नहीं वो करेंगे तो आपको लगता है कपड़ों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, नहीं मैम कपड़े तो मैं भी अगर मैं कमाऊँगा तो मैं कपड़े नहीं पहनूँगा ये तो आम सा अगर एक बंदा है वो भी कपड़े पहनेगा अपनी कमाई से पहन रहा है ना ना कि जनता से और जो विपक्ष था उसने कितना जनता का फजूल खर्ची किए हैं सारे पैसे लुटाए हैं कभी आपका सफाई महोत्सव कभी कहीं पे कभी कहीं पे सारे ये पैसे जो लुटाए हैं विपक्ष ने उस टाइम विपक्ष ने नहीं देखा कि मैं जनता का पैसा कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ आपका नाम मुकेश सिंह है जी क्या कहेंगे इस बात पर कि मोदी जी लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं कपड़ों पर देखिए विपक्ष का तो काम है वो कहने का अभी देखिए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का जो वो सेंट का एक अभी मामला आया है उसमें उन्होंने खुद ही प्रचार किए थे इतर का देखिए एक साठ करोड़ पकड़े गए योगी जी ने देखिए बहुत पहले के प्रधानमंत्री जो मनमोहन जी, जी थे तो कांग्रेस ने उनको जैसे जैसे बोलती थी तो ऐसे उनको बोलना पड़ता था आज हमारे मोदी जी स्वतंत्र है कहीं भी जाते हैं तो अपनी आवाज़ तो उससे उठाते हैं आज मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो अध्यक्षता करते हैं भारत के इसका मान सम्मान हर एक देशों में इतना बढ़ा हुआ है कि हम इसकी खुशी से हम लोग एक हिंदुत्व के नाते एक देश के नाते हम उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके कामों से हम इतने संतुष्ट हैं हम उनके कामों से इतने संतुष्ट हैं मोदी जी कपड़ा पहने अगर बाहर जाते भेखे भी कहते हैं कि भाई भेखे भी मिलता है अगर दिखाने तो भाई थोड़ा सा अपना जो उनका अभी जो गुजरात से मुख्यमंत्री वहाँ से पद छोड़ के आए थे तो उन्होंने जितना पैसा तो गरीबों के लिए उन्होंने दान दे दिया जो उनका जो पैसा मिलता है उसी में करते हैं देखिए विपक्ष का काम है करने का मैम प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों पर सवाल उठते हैं कि वो महंगे कपड़े पहनते हैं इतना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं कपड़ों में जी नहीं मैम ये तो अब जो भी बोलता है वो उनको बोलने दो लेकिन जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है कि शायद किसी पार्टी ने किया हो लेकिन महिलाओं के लिए तो इतनी उन्होंने सुविधा कर दी है कि आजकल महिलाएं स्वतंत्र हैं आराम से अपने घर 12 बजे भी जाएंगी तो उनको डर नहीं है और मेन दिक्कत यह है पहली पार्टी में महिलाएं घर से निकलने में भी डरती थी और आज महिलाएं रात को दो बजे भी ऑफिस से आती हैं तो स्वतंत्र होकर आती हैं बस मेरा यही कहना है और विपक्ष है वो तो कुछ भी बोलेगा अच्छा हाल ही में जो 18 से 21 साल की है लड़कियों की शादी की उम्र उसको ले कर क्या मैम वो तो देखिए जैसा भी उनका डिसीजन है वो ऊपर से आदेश है तो वही होगा और आम जनता इस में फैसले से भी अच्छी है कि भाई जैसा भी है बच्चियों की सुरक्षा होगी इसमें महिलाओं का मतलब सम्मान है इसमें आपको आ, सपा क्यों नहीं पसंद है क्या लगता है कि क्यों नहीं आएगी मैम देखिए जो सपा है कि कोई भी पार्टी है अपने लिए सब कुछ करती है लेकिन जैसा हमारे मोदी जी ने किया है योगी जी ने किया है ऐसा आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है और हमारी जो महिलाएं हैं हमारे बच्चे हैं हमारी बेटियां हैं स्वतंत्र हो गई हैं इस सरकार के आने से बस देख